बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी की टीम ने छापा मारा था। अब कंगना को बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दे दी गई है। बीएमसी की माने तो कंगना रनौत का ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया है। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है। बीएमसी का मानना है कि कंगना के ऑफिस में अलग तरह से पार्टीशन किया गया है, बालकनी एरिया को कमरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। बीएमसी का मानना है कि ऑफिस निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ समय से जुबानी जंग देखने को मिली। अब बीएमसी ने भी कंगना पर शिकंजा कस दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 354A के तहत कंगना अपने घर से ऑफिस का कोई भी काम नहीं कर सकती है। नोटिस में ऐसा लिखा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर कंगना को अपने ऑफिस के कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी को जमा करने हैं। बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस में अवैध निर्माण के संबंध में जानकारियां साझा की गई है। उसमें कहा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को अवैध रूप से ऑफिस केबिन में तब्दील किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर ही अवैध रूप से किचन को स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से पैंट्री का निर्माण किया गया है। इस मामले में बीएमसी की तरफ से कंगना को वार्निंग भी दे दी गई है। उनसे कहा गया है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग से निर्माण के संबंध में सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर वे ऐसा करने में असफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ सेक्शन 354A के तहत एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कहा गया है कि ऑफिस के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली मशीन और अन्य सामानों को भी हटा दिया जाएगा। अब कंगना रनौत के लिए ये एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। देखने वाली बात होगी कि कंगना के इस ऑफिस का भविष्य क्या होगा।